सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अननोन टीचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 डेज चैलेंज ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स। क्या होने वाला है चैलेंज एंड किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा, वीडियो में आगे बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस आपको बता दूं कि 30 डेज चैलेंज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अपने स्कोर में बहुत ज़्यादा बूस्टअप देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको गारंटी एंड वारंटी में अंतर पता होगा। तो देखते हैं क्या है चैलेंज, किस तरीके से आप फॉलो करोगे। सो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों मैथ्स के लिए ये चैलेंज, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स समझ लेते हैं। तो एनडीए का एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आप एनडीए मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करते हो तभी आपके जीएटी के पेपर की वैल्यू होती है। मैथ्स में आते हैं हमारे 120 क्वेश्चंस, ऑफ मार्क्स 300, 2.5 आवर में आपको सॉल्व करना होता है। तो मेरा टारगेट है कि अगर आप 150 मार्क्स स्कोर कर रहे होगे एनडीए मैथ्स में, मीन 60 क्वेश्चंस करेक्टली, तो आपका एनडीए मैथ्स एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। एंड क्लियर नहीं, आपके कट ऑफ क्लियर, टोटल ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमारी टोटल कट ऑफ अप्रॉक्स 360 के आसपास होती है। एंड अगर आप इसमें 150 स्कोर कर रहे होगे एंड जीएटी में मिनिमम 250 स्कोर कर रहे होगे तो आपका टोटल स्कोर बन जाएगा 400 के अप्रॉक्स। एंड 400 में आई बिलीव कि आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखते हैं कि क्या है ये 30 डेज चैलेंज एंड किस तरीके से आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे एक शीट दे दूंगा जहाँ पे डे 1 से डे 30 तक का कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा कि कौन सा चैप्टर कब करना है। बट किस तरीके से चैप्टर को फॉलो आउट करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो लिखा हुआ सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कुछ बेसिकली है नहीं, डे 1 to day 5 कंटेंट लिखा हुआ है। जस्ट लाइक पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा है सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी को आप किस तरीके से फॉलो करोगे गाइज, मैक्सिमम आपको 2 घंटे इसकी थ्योरी करनी है, 2 घंटे, ठीक है। एंड इस चैप्टर के लिए मैं बता रहा ये तो इजी है, बट गाइज कोई भी चैप्टर हो तो 2 आवर से 3 आवर के बीच में ही उसकी थ्योरी को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड 2 से 3 आवर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, इतना भी टाइम आपको नहीं लगाना है। बट इसको करते टाइम आपको करना क्या है, एक आपको फॉर्मूला शीट मेंटेन करनी है, फॉर्मूला शीट, ठीक है। फॉर्मूला शीट मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे काफ़ी जगह दे रखी है, तो आप देख सकते हो एज एग्जांपल। तो मेरे इंस्टाग्राम का मैं दे देता हूँ यूज़र नेम है NDA_tips। थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे की तरफ एंड आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट मिल जाएंगी। तो आपको खुद से अपनी फॉर्मूला शीट तैयार करनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे चैप्टर लिख रखे हैं, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस तरीके से मैंने सारे लिख रखे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। तो आपको फॉर्मूला शीट बनाने के बाद क्या करना है, उस चैप्टर में से 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं। एंड 25 से 30 क्वेश्चन करना बहुत कठिन काम नहीं है, इतना करना ही करना है एटलीस्ट। एंड इससे ज़्यादा करो तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। एंड इतना ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आता है हमारे 120 क्वेश्चन विच यू विल हैव टू सॉल्व इन 2.5 आवर। तो गाइज कैसे कह सकते हो आपकी 20 से 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है। अगर हो सके तो 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ अगर और अच्छा स्कोर चाहते हो। तो गाइज यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, कोनिक सेक्शन। अब आपको लग रहा होगा कोनिक सेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो गाइज अगर आपको बताऊँ तो एनडीए के एग्जाम में सर्कल से हमारे वास्ट लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा के, बट कोनिक सेक्शन से हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ज्योमेट्री बेस्ड। तो अगर आपको इसकी सीखना है तो मैक्सिमम 2 आवर्स में आप ज्योमेट्री एंड फॉर्मूलाज तैयार करो एंड क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो कि, एंड मेरी गारंटी है कि आप इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। यही हाल हमारा 3D ज्योमेट्री, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया एंड कर्व, ये सारे टॉपिक आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद गाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का आपको एक दिन फॉर्मूला रिवीजन करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें देखे गए एनडीए के पास्ट ईयर में वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स में भी मेनली फॉर्मूला बेस्ड भी आता है, तो आपको फॉर्मूला शीट जरूर से ही एक अच्छी तैयार करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट एट द 30th डे आपको क्या करना है, मॉक पेपर सॉल्व करना है, एंड यू विल फाइंड कि आपका लेवल कई हद तक अच्छा हो चुका है, ठीक है। एंड गाइज उसके साथ में आपको एक काम करना है कि अगर हो सके तो ये काम ज़रूर करना, एंड हो सके नहीं आपको करना ही करना है, मस्ट करना है। आपको क्या करना है, अपने किसी भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो वहाँ पे एक स्टेटस लगाना है ऐसा करके, जैसे फर्स्ट डे चैप्टर कंप्लीटेड मैथ्स, ठीक है। एंड चैप्टर का नाम भी लिख देना साथ में, एंड एक हैशटैग का भी यूज़ करना, अगर हैशटैग का यूज़ नहीं करते तो अभी भी चलेगा, बट ताकि बाकी बच्चे भी आपको देख सकें, तो इसलिए आप हैशटैग का यूज़ कर लेना, 30 days of NDA maths, इस तरीके से आपको एक हैशटैग लगा देना है। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जब आप कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें शेयर करते हो ना, तो आप
का आपके कंटेंट के प्रति एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आपके बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उस चैलेंज को कंप्लीट करते हो। तो ये चीज़ ज़रूर से करना है। एंड उसके ऊपर आपने उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किए उस डे के एट द एंड ऑफ डे, ये भी आपको लिख देना है। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो मुझे टैग भी कर देना है @NDATips पे, एंड ताकि मैं अदर बच्चों को भी शेयर कर सकूँ कि आपने किस तरीके से चैलेंज को फॉलो किया है, कितने क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये काम कर देना ज़रूर सही। एंड हाँ, एट द एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन स्पेसिफिक में प्रॉब्लम होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस आईडी में मत करना, इस पर कर देना unknown_teacher। ठीक है, इस आईडी पे गाइज मैसेज कर देना, सेम लोगों के साथ आपको आईडी मिल जाएगी, क्योंकि NDA_tips पे गाइज आपको स्ट्रेटेजी रिलेटेड सारी गाइडेंस दी जाती है। तो यहाँ पे आप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड गाइज स्टोरी वगैरह ज़रूर से लगाना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। सो गाइज लास्ट में ये कहना चाहूँगा, चैलेंज को फॉलो करो, टेलीग्राम से शीट को डाउनलोड करो, उसकी उसकी एक प्रिंटआउट निकलवा लो एंड उस पर टिक मार्क करते रहो। ठीक है, एंड अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।